त्योहारी सीजन के बीच आम उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की महंगाई का झटका लगा है। दरअसल त्योहारों की मांग बढ़ने और तिलहन की कमी के कारण बीते सप्ताह दिल्ली के बाजार में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और कच्चा पाम तेल समेत लगभग सभी तेल तिलहन के भाव बढ़ गए हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि हाल ही में बरसात से तिलहन फसलों को हुए नुकसान के कारण भी खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश में सरसों का सिर्फ 10 से 12 लाख टन का स्टॉक रह गया है, जो कि ज्यादातर किसानों के ही पास है और वो अभी बेचने के मूड में भी नहीं है। त्योहारी मांग लगातार बढ़ रही है और दिवाली के बाद सरसों की मांग में तेज बढ़ोतरी होगी। ऐसे में सलोनी शमशाबाद में सरसों का भाव बीते सप्ताह के अंत में 8,900 रुपए से बढ़ाकर 9,200 रुपए क्विंटल कर दिया गया। इससे सरसों तेल तिलहन के भाव में उछाल दर्ज किया गया है। वहीं बिजाई में देरी के कारण सरसों की अगली फसल आने में अभी करीब एक महीने की देर हो सकती है। हालांकि इस बार सरसों का उत्पादन दोगुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार के जानकारों का कहना है कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखकर सरसों का स्थायी रूप से करीब 5 से 10 लाख टन स्टॉक रखना ही चाहिए। वहीं केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा था कि फरवरी 2022 में अगली फसल आने के बाद ही सरसों की कीमतों में नरमी की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा है कि खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण सरसों के तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। समीक्षाधीन सप्ताह में बिनौला तेल के भाव मजबूत होने से मूंगफली की मांग भी बढ़ गई, जिसकी वजह से मूंगफली तेल तिलहन के भाव भी बढ़ गए हैं। सोयाबीन की नई फसल की आवक शुरू होने से पहले ही वायदा कारोबार में इसके भाव कम है। नई फसल के आने के समय आमतौर पर भाव गिराया जाता है, ऐसे में किसानों को कम दाम पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।